यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने आपको कहा कि पॉसिबल है ये। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम एकदम बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे यार। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम तूफान जा रही होगी, अमेजिंग जा रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट। पहले हमने सीएम में देखा था, आज हम देखने वाले हैं हमारा एफएसएम, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ, किस प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको इसको लेकर चलना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आपको इसको पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से इसमें वो चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम में हैवी वेटेज कैरी करते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। तो यारो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा की तरह। और अगर आपने अब तक नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स एंड मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार हमेशा की तरह हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो हम सबसे पहले करते हैं वो है अपने सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना। तो हम जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं अपने फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो दोस्तों जो एफएसएम है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बात करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, पार्ट बी बात करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। पार्ट ए आपका कैरी करता है 60 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरी करता है आपके 40 मार्क्स। ये होता है आपका एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 1-1 मार्क ईच। दोस्तों मैं किसी भी चीज को हार्ड नहीं कहूंगा क्योंकि यार सब कुछ डिपेंड करता है पढ़ने के ऊपर। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है, मतलब आपने इसको पहले कभी भी नहीं पढ़ रखा, बेसिक वगैरह कुछ नहीं पढ़ रखा आपने पहले इसका। तो दोस्तों जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही लास्ट में इस वीडियो के, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट को, खास करके इस एफएम के पोर्शन को, स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम पर इसको रट लो। ये रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये मेजोरिटी प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसमें से, थ्योरी के भी बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, प्रैक्टिकल के ज्यादा बनते हैं एफएम में। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो एफएम का पोर्शन होता है उसमें मेजॉरिटी प्रोपोर्शन आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की होती है, थ्योरी की कम होती है, बाकी आईसीएसआई की मर्जी। और दोस्तों फिर आता है आपका एसएम का पोर्शन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन। ये तो यार मैं क्या बताऊं, इसके अंदर आपके 6 चैप्टर होते हैं, ये 6 चैप्टर पढ़ते पढ़ते दीवाने हो जाओगे, इतने मस्त चैप्टर है। एसएम की खूबसूरत बात ये है कि इसमें एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका आपने बेसिक्स पहले पढ़ रखे हैं, कहीं ना कहीं 11th 12th में आपने इसके बेसिक्स पढ़ रखे हैं एक दो चैप्टर्स के, अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे बट वो पढ़ने में आपको काफी आसानी पड़ेगी। इसमें जो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 एमसीक्यूज आते हैं, वो प्योर थ्योरी होते हैं, प्योर थ्योरी। वो तो अलग बात है अगर आईसीएसआई को कभी मस्ती सूझ गई तो जबरदस्ती कैसे ना कैसे करके एक दो नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देगा, वैसे रेयर बात है नहीं बनते प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें। 40 मार्क्स की थ्योरी आती है और ये काफी स्कोरिंग होती है। फिर एक सबसे बड़ा डाउट जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आता है, मेरे से भी काफी लोगों ने पूछा कि यार जो इसमें ऑथर्स के नाम होते हैं वो याद करें कि ना करें। देखो यार होता ऐसा है ना कि मानो तो सब कुछ पॉसिबल है, मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि ऑथर के नाम पर ध्यान बिल्कुल मत देना आप, क्योंकि जब मेरे एग्जाम हुए थे ना तब एक नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें ऑथर का नाम पूछ लिया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑथर का नाम आप बिल्कुल ही ना पढ़ो, ऐसा मत माइंड सेट रखना। ऐसा कर सकते हो आप कि आप कुछ कुछ ऑथर्स के नाम याद रख सकते हो, देखो सारे ऑथर्स के नाम याद रखने तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल बात ही नहीं है ये, बट आप ऐसा कर सकते हो कि जिन ऑथर्स के नाम आपको अट्रैक्टिव लगे, कैची लगे उनके नाम, आप उनको मार्क कर सकते हो ताकि एग्जाम से पहले आप उनके नाम पढ़ के जा सको, और क्या पता बाय चांस वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट यार एक बात याद रखना, इसके चक्कर में आप टेंशन मत पाल लेना अपने माइंड में कि यार ये याद ही नहीं हो रहे, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स खराब मत करना। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किस अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। वैसे तो सीएमए और एफएसएम की अप्रोच सेम रहती है, मैंने सीएमए में बताई थी, बट जिन लोगों ने अभी सीएमए वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। दोस्तों एज यू नो कि ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और एमसीक्यू बेस्ड पेपर की अप्रोच सब्जेक्टिव से बहुत ही हटके होती है। मेन जो बात होती है जिसका आपको खास ध्यान रखना होता है वो ये है कि आपको इसकी ईच एंड एवरी लाइन, आपको इसकी हर एक लाइन सेल्फ रीड करनी है एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, और जो जो आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, जो जो आपको पंच वर्ड्स दिखते हैं या फिर ऐसे वर्ड दिखते हैं जिन पे आपको लगता है कि यार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है,
उसको आप मार्क करते हो। चलो अब काफी लोग ये सोचेंगे कि यार हर एक लाइन पढ़ना तो काफी बोरिंग हो जाएगा, तो मैंने पिछली वीडियो में सीएमए की वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि सपोज यार आपका कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें 15 से 20 लाइन है, पर आपने जल्दबाजी के चक्कर में 10-12 लाइन पढ़ ली और सोचा कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया, और सपोज एग्जाम में 17th लाइन से कोई क्वेश्चन बन गया उठ के, तो लग गए ना। तो यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने आपको कहा कि आपको ईच एंड एवरी लाइन पढ़नी है। देखो क्या है ना कि एग्जाम में जाने से पहले आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको पढ़ के जाना, और वैसे भी जब फर्स्ट रीडिंग आपकी होगी तब आपको एटलीस्ट ये तो पता लग ही जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल वेस्ट हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खुद से जज कर लेना कि भाई सारा ही गलत है, बट आपको कुछ कुछ तो आइडिया लग जाएगा इतना पढ़ने के बाद कि यार ये चीज़ तो मेरे को आती है या फिर ये चीज़ मैं थोड़ा अवॉइड कर सकता हूँ। बट अगर आपको लगता है ना कि 1% भी ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है, तो यार उसको रीड करके जाना, उसको मार्क करके जाना अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो। तो यारो ये थी अप्रोच इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कि किस तरह आपको इसको पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन पे एग्जाम में हैवी वेटेज होती है, हैवी वेटेज कैरी करते हैं वो चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे 4 चैप्टर हैं जो आप बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते, इनमें एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी, ये 4 चैप्टर। बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप बाकी चैप्टर छोड़ जाओ, लेकिन इन 4 चैप्टर पे तो आपका खास ध्यान रहना चाहिए। यार एसएम तो बताओ। यार देखो एसएम में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको एक माइंडसेट बताऊंगा। माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो 6 चैप्टर है, तो यार मैं कभी भी अपने दिन के 2-3 घंटे निकाल कर जब भी मुझे इसको रिवाइज करना है तो मैं 6 के 6 चैप्टर जल्दी से रीड करके खत्म कर दूं। क्योंकि यार मैं बताता हूं आपको, ये इतना स्कोरिंग पोर्शन है आपका, इतना स्कोरिंग पोर्शन है, आप चाहो तो इसमें 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही ये नहीं बताना चाहता कि आप इस चैप्टर पर फोकस करना या फिर इस चैप्टर फोकस करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी इसके अंदर पार्शियल थिंकिंग हो, क्योंकि पार्शियल थिंकिंग होगी ना तो कहीं ना कहीं नंबर कट सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि भाई 40 से 40 नंबर लेके आओ, और ला भी सकते हो, पॉसिबल है ये। तो बस ये करा करो कि जब भी आपको एफएसएम की रिवीजन करनी है तो 2-3 घंटे अपने अलग से निकाल लेना, 2-3 घंटे में जो एसएम के 6 चैप्टर हैं फटाफट से रीडिंग कर देना उनकी और खत्म कर देना, सबसे बेस्ट तरीका है ये पढ़ने का। सो यारो ये था यार आज के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इसको जरूर शेयर करना। अगर आपको ज्यादा पसंद आ जाए तो इसको अपने स्टेटस पे भी लगा लेना। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम जल्दी से उसको डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। बाकी तो यार हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।